हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट प्रैक्टिकल जिसको बोल सकते हैं। तो उस प्रैक्टिकल के अंदर हम कवर करेंगे एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसकी जो इंफॉर्मेशन है सिंपली हमारे जो माय स्कूल का डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर होने वाले। सो लेट्स स्टार्ट करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एन डेटाबेस का थोड़ा सा रिवर्स प्रोसीजर इसके अंदर हम करके देखेंगे। फॉर एन डेटाबेस फर्स्ट वी नीड एग्जाम सर्वर। So go with a XAMPP server. Start करते XAMPP server. So XAMPP server controller. Okay. So first of all जो XAMPP server होगा उसको start करने के लिए या उसका जो setup file है आप इस link के description में आपको मिल जाएगा। Then secondary आपको क्या करना है, जो इसको start करना है XAMPP server को normally click on only a start button. Okay. इसके बाद next इसके data डेटाबेस का देखने के लिए सिंपल ब्राउजर के ऊपर जाएंगे। ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद आपको सिंपल सर्च करना है लोकल होस्ट कोलन 80 ओके और 80 और आपको क्या सर्च कर सकते हैं लाइक ए पोर्ट नंबर जो हमने असाइन किया है यहाँ पे या पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ वही पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे असाइन करना है। उसके अकॉर्डिंगली जो आपको XAMPP सर्वर है उसका डैशबोर्ड डिस्प्ले होगा। अफ्टर दैट यहाँ पे हम कहेंगे पेज पे माय एडमिन। पेज पे माय एडमिन के ऊपर जैसा कि आप हमने ऑलरेडी दो डेटाबेस क्रिएट किए तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे देखो कि सिंपल यहाँ पे बाय क्लिकिंग ए न्यू कीवर्ड ओके न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। न्यू के ऊपर करने के लिए यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखाएगा जैसा कि दो डेटाबेस मतलब कितने भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो ड्रॉप कर सकते हो। तो जो प्रीवियस हमने किया था इसको ड्रॉप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सेम डेटाबेस के हम यहाँ पे डेटाबेस के कहेंगे स्टूडेंट बाय क्लिकिंग अ बटन क्रिएट। देन इसके अंदर हमें क्या करना है सिंपल टेबल का नाम जैसे रजिस्ट्रेशन विथ ए कॉलम कितने कॉलम्स हमें चाहिए तो 5 कॉलम्स हमें चाहिए। विथ एन 5 कॉलम्स हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करें ओके। सो इसके नाम्स यहाँ पे हम करेंगे देन यहाँ पे हम टेबल के अंदर कॉलम्स के नेम मेंशन करेंगे जैसे कि यूजर नेम देन उसका डेटा टाइप वैक्यार वैल्यू 50 सिमिलर पासवर्ड ओके। पासवर्ड के बाद अगेन वैक्यार साइज 50 देन नेम नेम ऑफ द स्टूडेंट देन अगेन उसकी प्रॉपर्टी वैक्यार साइज 50 देन गो विद द सिटी सिटी के अंदर अगेन वैक्यार 50 एंड नेक्स्ट दैट इज अ मोबाइल नंबर जैसे भी मोबाइल नंबर देते इन अ बिग इन साइज ऑफ फील्ड ओके। ये पैरामीटर हमने इसके अंदर पास कर दिए देन सिंपली गो ऑन नेक्स्ट एंड सेव इट ओके। सेव बटन आपको नहीं दिखेगा एक सेकेंड कैमरा एक बार कुछ नहीं लाता ओके। सो सेव बटन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। सो क्लिक करो सेव बटन के ऊपर। आफ्टर क्लिकिंग सेव बटन ये जो रजिस्ट्रेशन टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा ओके। सो REG टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वहां पे देख सकते हो। उस टेबल के अंदर जो भी आपको क्वेरी कॉलम्स के सब चीजें यहाँ पे कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करके इसके अंदर और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हो। सो एक टेबल हमने क्रिएट कर दिया तो सिमिलर उसके लिए जो वेब पेज है वेब पेज क्रिएट करते हैं। सो नेटबीन वेब एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम वेब पेज क्रिएट करेंगे। सो ओके देन यहाँ पे हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो गो विथ फाइल फाइल के बाद न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद गो विथ जावा वेब वेब एप्लीकेशन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इन वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें नाम क्या लाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ओके। सो स्टूडेंट REG रजिस्ट्रेशन ओके सिंपल नेक्स्ट करना है फिनिश। आफ्टर दैट आपका वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे वेब पेज के ऊपर हमें क्या करना है डेटा इंटर करना है। सो इसको थोड़ा सा डिजाइन करते सो फर्स्ट इट इज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ओके। सो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के बाद
स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के बाद देन हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉडी के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना है कि जिसके थ्रू जो भी हमारी डेटा है वो सेव होने वाला है या किस तरह से हमें डिस्प्ले करना है, सभी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट, सीधा हम उसके ऊपर आते हैं कि जैसे कि जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे फिल कर दी, और टाइम सेव करने के लिए हमने उसको थोड़ा वीडियो को क्रॉप कर दिया, कट कर दिया। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि फॉर्म है विद अ मेथड पोस्ट एंड एक्शन आरईजी सर्वलेट। ओके, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट विद, यहाँ पे क्या है हमारा यूजर नेम, अकॉर्डिंग टू दैट यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, नेम, नेम का टेक्स्ट बॉक्स, सिटी, सिटी का टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इसका लुक थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेबल ऐड करते। सो और टेबल इसको भी थोड़ा सा स्किप करेंगे तो हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा डिजाइन खेलने के लिए टाइम मैटर करता है। सो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो को। एंड लास्ट में सबमिट बटन, दो रो को एक साथ दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स पैन टू, तो दो रो हमारे एक साथ इसको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सो इसका लुक देखते हैं कि लुक किस तरह से आ रहा है हमारे फॉर्म का या टेबल का। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जो इंडेक्स पेज है उसको हमें रन करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैन रन, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो उसके बाद जो भी उसके अंदर चेंजेस है सभी हमें दिखाएंगे किस तरह से हमारा फॉर्म डिजाइन है। ओके, सो इस तरह से हमारा फॉर्म डिजाइन है। क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन सर्वलेट अभी तक डिजाइन नहीं किया है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन सर्वलेट करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। ओके, सो सिंपल यहाँ तक नॉर्मल आपका टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बॉक्सेस, देन सर्वलेट के लिए क्रिएट न्यू सर्वलेट। ओके, सर्वलेट नेम एज इट इज रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, यहाँ पे दिया गया हमने फॉर्म टैग के अंदर, वही नाम आपको यहाँ पे लेना है सेम एज इट इज। क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश। आफ्टर क्रिएटिंग दैट यहाँ पे हमें दो फाइल इंपोर्ट करके लेनी है, कौन कौन सी, इंपोर्ट जावा एक्स, कि यहाँ पे दो फाइल हमें इंपोर्ट करके लेनी है। ओके, यहाँ पे हमने दो फाइल इंपोर्ट करके ले ली, दैट इज जावा एक्स, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार एंड जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर मैनेजर। ओके, देन नेक्स्ट जो प्रोसेस हम करने वाले, जो हमारे प्रोसेस डॉट रिक्वेस्ट, ओके प्रोसेस रिक्वेस्ट जो मेथड है उसके अंदर हम करेंगे, तो उसके लिए जो ट्राई क्लैच ब्लॉक है वहां पे भी हम चेंज करेंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट वाला है उसका एज इट रहेंगे, बाकी के नीचे थोड़ा सा जो कोडिंग का पार्ट है हम यहाँ पे एड ऑन कर देंगे। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि हमने पार्ट कोडिंग का यहाँ पे ऐड कर दिया, टाइम सेव करने के लिए हमने वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया। सो देखते हैं वन बाय वन एक्सप्लेनेशन, देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है। तो फर्स्ट हमारा प्रिंटर डॉट राइटर डॉट आउट, तो प्रिंट राइटर जस्ट लाइक हमने लास्ट इसमें देखा था, फॉर राइटिंग पर्पज जो डेटा हमें राइट करना है उसके लिए, जो डिस्प्ले करना है डेटा उस पर्पज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक ही जगह पे यूज होता है, दैट इज जो एक्सेप्शन हैंडलर है कि कैच मेथड है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्सेप्शन ऑकर होता है उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एलियन इन द सेंस आउट डॉट प्रिंट एलियन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देन सेकेंड क्या चीज हम करें कि जो भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट हमने या डेटा सेंड किया है वो डेटा हम फेच करेंगे वाई यूजिंग अ गेट पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स टू लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेटा स्ट्रिंग के अंदर सेव करेंगे, एंड जो इंटीजर लॉन्ग इंटीजर वाला डेटा है सो हम जैसे मोबाइल नंबर, तो लॉन्ग इसके लिए वेरिएबल्स यूज करेंगे। देन नेक्स्ट यूज करेंगे दैट इज कनेक्शन, फॉर कनेक्शन पर्पज यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास डॉट फॉर नेम, तो उसके अंदर आपको एक सेम सेंटेंस दिखना है, दैट इज अ कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC ड्राइवर। ओके, JDBC ड्राइवर्स यूज करने के लिए हमें एक क्लास मेंशन करने पड़ेगी। देन नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे दैट इज अ
JDBC, MySQL, localhost, K3306 एंड जो रूट एंड पासवर्ड, ये सारी चीजें कहां से आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सर्विस लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि प्रोजेक्ट फाइल्स एंड सर्विस तीन ऑप्शन दिख रहे, तो उसमें से सर्विस के ऊपर क्लिक करो। सर्विस के ऊपर जाने के बाद डेटाबेस राइट क्लिक, न्यू कनेक्शन, न्यू कनेक्शन के बाद यहाँ पे आपको जाना है MySQL, MySQL के बाद आपको इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखो इनिशियल में आपको ब्लैंक दिखेगा वैल्यू, तो जो रैल फाइल आपकी MySQL कनेक्टर के अंदर होगी, जार या रैल फाइल, तो या जिप फाइल भी बोल सकते, तो इसको आपको एड ऑन करना है। मैंने ऑलरेडी एड कर चुका हूं, इसके अंदर क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको कुछ रखना होगा फॉर एन डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो, चलेगा। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पे फिनिश कर दो। ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सो मुझे ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ जाएगा, पॉपअप मैसेज। सो यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इसको फिनिश, ऑलरेडी एग्जिस्ट क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे पाथ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे इंसर्ट करना है। सो MySQL की जगह पे डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, दैट इज एन स्टूडेंट। ओके, जो स्टूडेंट डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, सो नेम हमने यहाँ पे क्या लेंगे, स्टूडेंट, तो एज इट इज यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम यहाँ पे लेते हैं। सो स्टूडेंट एंड रूट यूजर नेम है, पासवर्ड ब्लैंक है, देन REG हमारा टेबल नेम है, उसके अकॉर्डिंगली फाइव वैल्यू हम इसके अंदर इंसर्ट करें। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो क्वेरी दैट इज एन इंसर्ट इन टू REG इन द सेंस टेबल नेम विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू। वैल्यू किस तरह से हम करेंगे, फर्स्ट इसमें यूजर नेम, सेकेंड इसमें पासवर्ड, थर्ड इसमें नेम, फोर्थ में सिटी एंड फिफ्थ में एम मोबाइल नंबर। ओके, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए prepare स्टेटमेंट execute अपडेट, ये मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो कितने नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट होंगे, तो काउंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो, तो रो के अकॉर्डिंगली रो इंसर्ट सक्सेसफुली एंड उसके बाद जो आपका आउटपुट है आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और एक चीज हमें यहाँ पे रह गई, दैट इज एन हमें लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जो जार फाइल हमने एड की थी फॉर कनेक्शन, सेम यहाँ पे जार फाइल ऐड करनी है या रैल फाइल। सो की क्लिक ऐड जार एंड रैल फाइल, अन्य वास्ते जो फोल्डर आपको लिंक में दिया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सेम उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे ऐड करना है। देन राइट क्लिक, ओके इसको सेव करते हैं, फर्स्ट सेव ऑलरेडी है, ऐटो सेव हो जाता है। सो इसको रन करने के बाद जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन हमने लिया था लास्ट टाइम, अलेक्सा पासवर्ड 123, यूजर नेम भी ऐसे लिखते हैं, अलेक्सा 123, पासवर्ड 123, नेम इज अलेक्सा, सिटी कौन सा है, जैसे लाइक वाशी नवी मुंबई, एंड लास्ट दैट इज अ मोबाइल नेम हमें क्या देना है, नंबर 9867 को भी आप रैंडमली मोबाइल नंबर इसके अंदर दे सकते हो। ओके, देन क्लिक ऑन रजिस्टर, ओके सक्सेसफुली वन रो इज इंसर्टेड। वैल्यू देखते हैं, ओके वैल्यू देखने के लिए अगेन जहां पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वहां पे जाना है। ओके, देन यहाँ पे देखो जैसे आपको टेबल के ऊपर सिर्फ क्लिक करना है, टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो डेटा हमने बोला था वो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, सिंपल, कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, सो सिंपली आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।